दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है फैंस में उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं और न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम ने भी भविष्यवाणी करी है और जिस टीम को दावेदार बताया है उसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन बेहतरीन कप्तान है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून से इंग्लैंड के रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा और जिसके लिए कई दिग्गज अपनी अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं। कई दिग्गजों ने भारतीय टीम को दावेदार बताया है तो कुछ ने न्यूजीलैंड को। आपको बता दें कि भारतीय टीम फिलहाल मुंबई में मौजूद थी और एक हफ्ते का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद सभी खिलाड़ी यूके के लिए रवाना हो गए हैं और 24 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी जिसमें सीनियर खिलाड़ियों से लेकर कई युवा खिलाड़ियों को भी इसमें स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में मौका दिया गया है। वैसे तो भारतीय टीम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज में चित करके ये साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी टीम के घर में घुसकर उसे हराने का दमखम रखती है। इस बीच ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि टीम ही टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेगी। बतौर क्रिकेट फैन मैं टीम इंडिया की इज्जत करता हूं, टीम इंडिया के पास लड़ने की काबिलियत है तो वहीं कभी हार नहीं मानते हैं और मौजूदा समय में भारत के पास काबिलियत है कि वो न्यूजीलैंड की टीम को टक्कर दे सकती है। YouTube चैनल स्पोर्ट्स टुडे से बातचीत में ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 60% जीत की संभावना न्यूजीलैंड की दिखाई देती है। ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि मुकाबला कड़ा होने वाला है लेकिन न्यूजीलैंड को इंग्लैंड में जो मैच प्रैक्टिस मिल रही है वो उसके काफी काम आ सकती है। मुझे लगता है कि मुकाबला बेहद करीबी होने वाला है। मुझे लगता है कि ये मैच 60% न्यूजीलैंड के पक्ष में है और जबकि 40% ये मुकाबला भारत के पक्ष में है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रैक्टिस में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने कारनामे किए हैं, ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को धूल चटाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी क्योंकि हमारी टीम पूरी तरह से शानदार फॉर्म से गुजर रही है। अभी हाल ही में हमने इंग्लैंड को भी 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से पटखनी दी है। हालांकि हमारी टीम के ऊपर 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार का थोड़ा सा दबाव जरूर होगा लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास फिर एक बार मौका भी होगा कि हम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम के साथ पुराना हिसाब किताब चुकता कर इस ICC ट्रॉफी को अपने नाम करें और जिसके लिए टीम के अहम खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों पर टीम मैनेजमेंट के साथ साथ भारतीय फैंस को भी काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि होने वाले फाइनल मुकाबले को न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी या फिर भारत? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।